NMMS परीक्षा 2023 आपके 19 नवंबर 2023 को जो पेपर होने वाला है कक्षा 8 के NMMS परीक्षा 2023 का, उसके लिए विज्ञान के आपके 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 35 प्रश्न आपके किस टाइप के आने वाले हैं, इन प्रश्नों को आप अच्छे प्रकार से समझेंगे तो आपको जो पेपर में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और इन 35 प्रश्नों को आप अच्छे प्रकार से याद करें ना आपको काफ़ी फ़ायदा आपके पेपर में मिलने वाला है। साथ ही आप इस परीक्षा का जो टेस्ट भी दे सकते हैं NMMS परीक्षा का, उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। गणित का, विज्ञान का, रीजनिंग का सभी टेस्ट आप दे सकते हैं, सभी के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। लिंक के ऊपर क्लिक करके आप सारा टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और विज्ञान का आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो हम देख लेते हैं। तो ये पार्ट बी में आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन, उसमें से पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सौरमंडल से पूछा गया था कि निम्न में से सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है अपना इसमें मंगल, पृथ्वी, शुक्र और शनि। तो इसमें जो सबसे नज़दीक ग्रह हैं, जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके शुक्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें शुक्र। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इसको इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, इसको बोर का तारा भी कहा जाता है, इसको सांझ का तारा भी कहते हैं, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, इसको ब्लू स्टार भी कहा जाता है। शनि के ऊपर आपने देखा होगा, शनि जो ग्रह है उसके ऊपर एक वलय रूप में होती हैं। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं, यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं है। तो इसमें देखो यूरिया, जैविक खाद, NPK और पोटाश, जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से जैविक खाद जो है, जो ऑर्गेनिक खाद होता है वो ये रासायनिक खाद नहीं होता है, रासायनिक उर्वरक नहीं होता है। तो जैविक खाद ये गाय भैंस के गोबर से इसको तैयार किया जाता है, अपशिष्ट से इसको तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगला है इसमें, जड़ द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। तो जड़ के द्वारा जल के अवशोषण की दर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर या पॉलीथीन की थैली में रखकर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि पंखे के नीचे रखकर जड़ द्वारा जल के अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, बीजाणु द्वारा उत्पन्न करने वाला पादप जीव कौन सा है, गुलाब, डबल रोटी की फफूंद, आलू और अदरक। तो बीजाणु के द्वारा जो उत्पन्न होने वाला पादप जीव है वह है डबल रोटी की फफूंद। जो ब्रेड होती है उसके ऊपर जो फफूंद आ जाती है इसको बीजाणु के द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेकंड, डबल रोटी की फफूंद। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं, वातक कहते हैं, श्वास रंध्र कहते हैं या वक्ष गुहा कहते हैं या क्लोम कहते हैं। तो उनको कहा जाता है वातक। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें वातक। श्वास रंध्र ये तिलचट्टा वगैरह इनमें होते हैं और क्लोम जो होते हैं वो इनमें जो मछलियाँ वगैरह होती हैं इनके अंदर क्लोम पाए जाते हैं, गिल्स कहते हैं इनको, तो ये मछलियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाने वाला कौन सा जंतु है। ऑप्शन है हाथी, न्यू वर्ल्ड मंकी, लॉयन टेल लंगूर और मेंढक। तो इनमें से कौन सा जो जीव हैं, जंतु हैं, जो पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉयन टेल लंगूर जो हैं, लॉयन टेल्ड लंगूर ये पाया जाता है पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा धातुओं का प्रकृति नहीं है, धातुओं के इनमें से कौन सा जो नेचर नहीं है। तो नॉट ए नेचर ऑफ मेटल्स, कौन सा इसमें से धातुओं का गुण नहीं है, प्रकृति नहीं है। आघातवर्धनता, कुचालकता और तन्यता और सुचालकता। देखो आघातवर्धनता, इनको पीट पीट कर हम चादर बना सकते हैं, ये होती धातुओं में। तन्यता, इनको खींच कर हम तार बना सकते हैं। एक ग्राम, अगर एक ग्राम सोना है, एक ग्राम सोना है तो उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सोना सबसे तन्य धातु होता है, इसमें गुण होता है तन्यता का। और सुचालकता, विद्युत की सुचालक होती हैं, जैसे जो चांदी है वो सबसे अधिक चालकता होती है, चांदी विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होती है, सर्वोत्तम चालक जो पूछे विद्युत की तो वो चांदी है। लेकिन कुचालकता ये धातुओं का गुण नहीं है। ऑप्शन इसका जो सेकंड है वो इसका आंसर हो जाएगा कि कुचालकता जो होती है वो धातुओं का गुण नहीं होता है, बाकी सभी इसके गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है, इनमें से कौन सा प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक ड्रग होता है उसके बारे में पूछा गया है। कॉफ़ी पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन और यीस्ट पाउडर। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर सी है,
स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये एक प्रतिजैविक औषधि होती है, एंटीबायोटिक ड्रग होता है, जिसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? CNG, बायोडीजल और केरोसिन या फिर पेट्रोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें CNG। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? CNG। CNG का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये CNG का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसको हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एक और होती है जो अपने घरों में काम में ली जाती है, LPG। देखिए आप में से किसको पता है LPG गैस का पूरा नाम क्या होता है? LPG का पूरा नाम कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है। आपने देखा होगा कैरम बोर्ड जो गेम होता है, इसके अंतर्गत पाउडर छिड़का जाता है, तो वो पाउडर क्यों छिड़का जाता है, क्या कारण है, उससे घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? घर्षण कम हो जाता है, घर्षण अधिक रहता है, घर्षण अपरिवर्तित रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर कह नहीं सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये है कि घर्षण को कम करने के लिए उसके ऊपर पाउडर छिड़का जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन फर्स्ट, कम करने के लिए उसके ऊपर, घर्षण को कम करने के लिए पाउडर छिड़का जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी आवृत्ति की ध्वनि हमारे कान नहीं सुन सकते हैं? इनमें से कौन सी आवृत्ति की ध्वनि है जो हमारे कान नहीं सुन सकते हैं? तो आपको पता होगा कि हमारे कान जो हैं वो 20 से लगाकर 20 किलोहर्ट्ज़ या 20,000 हर्ट्ज़ तक की जो ध्वनि होती हैं वो अपने कान सुन सकते हैं। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में जितनी भी ध्वनियाँ होगी उन सभी को अपने कान सुन सकते हैं। तो देखो 38 तो इनके बीच में ही है, 10,800 भी हैं और 6,800 भी हैं, लेकिन ये जो 8 हर्ट्ज़ जो हैं वो आपके 20 हर्ट्ज़ से कम होती हैं और ये ध्वनि अपने कान नहीं सुन सकते। इसका उत्तर नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 8 हर्ट्ज़ की जो ध्वनि है वो अपने कान नहीं सुन सकते। इसका कारण ये है कि अपने जो कान है उसकी श्रव्य सीमा ये 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक होती हैं। तो ये हर्ट्ज़ जो होती हैं वो ध्वनि की तीव्रता मापने का काम में ले जाते हैं आवृत्ति, तो इसको विशेष तौर पे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 102 है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ होगा। नियत चाल से कोई गति करने वाली वस्तु है उसका दूरी और चाल, जैसे इधर तो ले लेते दूरी, इधर ले लेते चाल, तो दूरी और समय में आपकी जो ग्राफ बताना है कि दूरी और समय में ग्राफ क्या होगा। तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, इससे क्या होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर जो 3 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जटिल रेखा नहीं होगी, वृत्त नहीं होगा, वक्र रेखा नहीं होगी। करेक्ट आंसर इसका तीसरा ऑप्शन है, एक सरल रेखा प्राप्त होती हैं, तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, रूमिनेंट्स में सेल्युलोज का पाचन कहाँ होता है? तो रूमिनेंट्स जो होते हैं जो जुगाली करने वाले होते हैं, जैसे जानवर जितने भी हैं पालतू पशु जो रूमिनेंट्स के रूप में जाने जाते हैं, उसमें सेल्युलोज का पाचन कहाँ पर होता है? सेल्युलोज इसका पाचन कहाँ पर होता है? मुख में होता है, आमाशय में होता है, ग्रसिका में होता है, अंधनाल में होता है। तो जितने भी जो रूमिनेंट्स होते हैं इनके अंदर एक अंधनाल पाई जाती है, रुमेन पाया जाता है, इस अंधनाल को अंग्रेजी में रुमेन कहते हैं। तो इस रुमेन के अंदर ही इस सेल्युलोज का पाचन होता है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आसुत जल की प्रकृति कैसी होती है? आसुत जल जो होता है जो डिस्टिल वाटर कहलाता है, तो डिस्टिल जो वाटर होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती हैं, क्षारीय होती हैं, उदासीन होता है या फिर अनिश्चित होता है? तो इसका जो सही उत्तर है, वैसे आपको पता होना होगा कि आसुत जल जो है इसका पीएच मान 7 होता है, यानी कि उदासीन होता है। इससे पीएच मान 7 से कम वाले अम्लीय होते हैं और ये पीएच स्केल होते हैं, और 7 से ज़्यादा वाले क्षारीय होते हैं। तो पीएच मान के ऊपर निर्भर करता है कौन अम्लीय और कौन क्षारीय है। तो आसुत जल का जो पीएच मान है वो 7 होता है और जो कि उदासीन होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट आंसर होगा, आसुत जल उदासीन होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 105 नंबर क्वेश्चन है, 40 डिग्री के एक लीटर जल को 70 डिग्री तक के एक लीटर जल के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण का ताप क्या होगा? 40 डिग्री पहले से था और उसको 70 डिग्री के एक लीटर जल में इसको मिलाया जाता है, 2 लीटर जल हो गया, 1 लीटर और दूसरा भी 1 लीटर है। तो अब इनका जो ताप ये है, टेम्परेचर है, वो कितना होगा जल का, ये बताना आपको।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा कि इसका जो उत्तर, वैसे साफ तो दिखाई नहीं दे रहा, पहला ऑप्शन 110 है जो कि होगा नहीं, 110 तो होगा नहीं, और 30 भी नहीं होगा और 70 भी नहीं होगा। उत्तर जो इसका सेकंड हो जाएगा कि 40 से 70 के बीच में होगा। अब वो 50 हो सकता है या फिर वो 55 हो सकता है, वो इनके बीच में आएगा। तो इसका उत्तर नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, 40 से 70 के बीच में। 106 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूटन की डिस्क में कौन सा रंग नहीं होता है, बैंगनी, पीला, लाल और गुलाबी, इनमें से कौन सा रंग न्यूटन की डिस्क में नहीं होता है। तो आपने वो एक लाइन पढ़ी होगी, बे जा नी ह पी ना ला, ठीक है, इसमें 7 रंग होते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये रंग होते हैं। देखो बैंगनी, लाल और पीला तो है लेकिन गुलाबी रंग इसमें नहीं है। तो ये विबग्योर में भी आता है, विबग्योर में भी आता है, वी आई बी जी, वी आई बी जी वाई ओ आर, ये विबग्योर के अंतर्गत भी आता है। तो उसमें आपके कहीं पे भी पिंक इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि पीस में नहीं आता है। तो पिंक इसका उत्तर हो जाएगा आंसर, कि ये गुलाबी रंग अपने न्यूटन की डिस्क में नहीं होता है। तो इंद्रधनुष होता है उसमें ये 7 ही रंग होते हैं, बेजानी, हपिनाला। 107 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेनलेस स्टील लोहे के में कौन सी धातु मिलाकर तैयार की जाती है। तो स्टेनलेस जो स्टील होती हैं उसमें जंग नहीं लगे, तो इसके लिए लोहे में कौन सी धातु को मिलाया जाता है। तो इसके लिए आपको याद रखना है, एक तो क्रोमियम होता है और एक निकल होता है, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और निकल होता है। आपको पूछे कि पीतल एक मिश्र धातु होती है, तो पीतल में कौन कौन सी धातुओं को मिलकर बनाया जाता है। तो एक तो होता है तांबा, पीतल में क्या क्या होता है, तांबा, और एक होता है जिंक, ये जस्ता, जिंक और जिंक को जस्ता कहते हैं। तो तांबा और जस्ता दोनों मिलकर पीतल बनाते हैं। मैं आपको इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि पीतल में कौन सी मिश्र धातु होती है। तो आपको शब्द याद रखना है पिताजी, कैसे याद करोगे, पिताजी, पी से पीतल है, ता से तांबा है, जी से जिंक है, इससे आपको याद हो जाएगा कि पीतल में कौन सी धातुएँ होती हैं। पीतल एक मिश्र धातु है जो दो धातुओं से मिलकर बनती हैं। इसी प्रकार से ये जो स्टेनलेस स्टील है ये भी एक मिश्र धातु है, इसको क्रोमियम और निकल को लोहे के साथ में मिलाकर बनाया जाता है। तो इसको आप अच्छी प्रकार से याद रखें। तो इसका ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, क्रोमियम और निकल लोहे के साथ में मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन 108 नंबर है कि कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25 मिनट चलती हैं, इसके पश्चात वह 70 किलोमीटर प्रति चाल की घंटे की चाल से वह 36 मिनट चलती हैं। तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो देखो ये कितना चला रहे हैं, इसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि एक घंटे में वो 60 किलोमीटर जाती हैं, और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो मान निकाल के दोनों को जोड़ लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें हम इसको निकालेंगे कि ये जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी कि एक मिनट में एक किलोमीटर, 60 किलोमीटर में 60 मिनट लग रहे हैं, एक घंटे में एक 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में एक किलोमीटर जा रही, तो 25 मिनट में कितना चलेगी, वो 25 किलोमीटर चलेगी। तो इसकी तो दूरी हो जाएगी 25 किलोमीटर। फिर ये जो 70 किलोमीटर है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 36 मिनट चलती हैं, तो उसको निकालेंगे हम, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और बटे में इस घंटे को मिनट में बदल देते 60, और इंटू हमें 36 मिनट का ज्ञात करना, तो 36 से इसको गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 छः बार कटेगा, 6 को 7 से गुणा करने से कितना आएगा, 42, तो 42 को और 25 को जोड़ेंगे तो इसका उत्तर 67 आएगा। तो 67 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करके इसका आंसर निकालने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, CFL में कौन सी वाष्प होती हैं, CFL में कौन सी वाष्प होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पारा या फिर हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, पारा होता है, जो CFL होते हैं इसमें पारा भरा होता है। और पारा आपको पता होगा अपने जो थर्मामीटर होता है तापमापी उसमें भी काम में लिया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, तो आपने कई बार देखा होगा इसका प्रश्न को बार बार पूछा जा रहा है ये। तो इस धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं इसमें आपको पारा ही याद करना है, इसको HG से लिखते हैं, मरकरी कहते हैं इसको।
ये तो धातु हैं, और अधातु कौन सी हैं आपको पता हो तो कमेंट करके बताना, नहीं पता हो तो भी कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला प्रश्न आपके सामने है 110 नंबर, घर्षण बल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? घर्षण बल में कौन सा कथन असत्य है? इसमें जो स्टेटमेंट थे फॉल्स स्टेटमेंट वो आपको चूज करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो घर्षण बल में आपको गलत कौन सा लग रहा है वो बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने है, यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है, अगर पृष्ठ खुरदरा है रफ है तो घर्षण बल ज़्यादा लगेगा, यदि घर्षण नहीं है तो पेन या पेंसिल से नहीं लिख सकते, छत के पंखों व साइकिलों की दूरियों और हब के बीच बेयरिंग घर्षण बल को बढ़ा देता है और घर्षण के कारण ही जूतों के तले घिस जाते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो ये बढ़ाता नहीं है, बाकी सभी सही है कि खुरदरी होगी तो घर्षण बल बढ़ेगा, इसीलिए आपको आपने देखा होगा जो वाहनों के जो टायर होते हैं वो खुरदरे बनाए जाते हैं ताकि घर्षण बल को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा आपने देखा होगा जो जूते के तले होते हैं वो भी खुरदरे बने होते हैं, उसके भी कारण ये कि घर्षण बल को बढ़ाने के कारण। घर्षण नहीं होगा तो हम पेन पेंसिल को नहीं पकड़ सकते, बिना घर्षण के हम पेन पेंसिल को पकड़ ही नहीं सकते हैं, और घर्षण के कारण ही जूते के तले घिस जाते हैं, वो घर्षण को बढ़ाने के लिए उसके तले खुरदरे बनाए जाते हैं फिर बाद में वो घिस जाते हैं। लेकिन कैरम बोर्ड पर जब हम पाउडर छिड़कते वो बॉल बेयरिंग होते हैं, वो बेयरिंग जो होते हैं वो घर्षण को कम करने का काम करते हैं, तो बढ़ाते नहीं हैं, ये कम करने का काम करते हैं। इसका ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? तो जब भी किसी तार में हम इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगा उसमें पास होगा तो उससे वो एक मैग्नेट के रूप में बिहेवियर करता है, तो वह जो इलेक्ट्रिक ये इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा है? तो थर्मल इफेक्ट है यानी कि तापीय प्रभाव है, या केमिकल इफेक्ट रासायनिक प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट है, या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव। नाम भी देखो चुंबक आ रहा है तो इसमें आपको चुंबकीय प्रभाव याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, इसमें रक्त का रंग लाल होने का कारण उत्तरदायी वर्णक कौन सा है? तो इसमें से कौन सा जो पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है अपने जो ब्लड होता है वो रेड कलर होने के कारण, तो इसका जो रेस्पॉन्सिबल जो पिगमेंट है वो कौन सा है आपको इसमें बताना है, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, फ्लोएम या इंसुलिन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही अपना जो रक्त है वो अपना जो खून है वो लाल होता है। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ अपने ब्लड से संबंधित, अपने ब्लड के चार ग्रुप हैं ठीक है, इसमें एक तो ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। इन चारों ही मेन रूप से ये चारों ही ब्लड ग्रुप होते हैं, फिर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन चारों में से कौन सा ब्लड ग्रुप सभी को रक्त दे सकता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है, सर्वदाता जिसको हम कहते हैं। तो इसका उत्तर कमेंट करके बताना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है। और एक पत्तियों का जो रंग है, आपने देखा होगा पेड़ जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों का रंग हरा होता है, तो पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, किस वर्णक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, कमेंट बॉक्स में इसका भी उत्तर लिख के ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 113 नंबर, बिजली का स्विच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं उनको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो 113 नंबर क्वेश्चन में आपके ऑप्शन है बेकेलाइट, पीवीसी, टेफ्लॉन और नायलॉन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बेकेलाइट। तो बेकेलाइट का उपयोग बिजली के स्विच बनाने में या जो अपने रसोई घर में जो बर्तन होते हैं उनके हत्थे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है। इसके अलावा टेफ्लॉन जो न चिपकने वाले सतह होते हैं अपने कढ़ाई है, तवा है, इसके ऊपर ये टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। पीवीसी इसका पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 114 नंबर, नर और मादा युग्मकों के संयोग यानी युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके सामने है निषेचन, परागण, जनन या फिर मुकुलन। तो ये नर और मादा युग्मक का जो संयोग युग्मन है ये क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है
निषेचन फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, वायुदाब के क्षेत्र से के क्षेत्र की ओर गति करता है, यानी कि वायु जो दाब है, वायु किस दाब से क्षेत्र से किस दाब क्षेत्र की ओर गति करती हैं। तो वायु दाब जो होती हैं वो अधिक से अधिक, अधिक वायु दाब से अधिक में, अधिक से कम में, कम में कम से अधिक में, या कम से कम में। तो वायु जो होती हैं वो अधिक वायु दाब क्षेत्र से कम वायु दाब ओर की, या अधिक से कम की ओर ये गति करती हैं। तो अगर कहीं पर वायु दाब जैसे उत्तर और ये दक्षिण है, उत्तर और दक्षिण है, ऊपर उत्तर या नीचे दक्षिण है, मान लो उत्तर से दक्षिण की ओर वायु जा रही है, इसका मतलब ये है कि उत्तर की ओर वायु दाब ज़्यादा है और नीचे दक्षिण की ओर वायु दाब कम है। तो कम से अधिक से ज़्यादा की ओर ये वायु, अधिक से कम की ओर ये वायु दाब होता है, तो वायु का दिशा उस पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भूकंप की शक्ति के परिणाम को व्यक्त किया जा सकता है। तो भूकंप की जो तीव्रता होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो किससे मापी जाती है, न्यूटन में, रिक्टर पैमाने में, मीटर में, या हर्ट्ज में। इसका जो करेक्ट आंसर आपके सामने है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, रिक्टर पैमाने में। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। एक और होता है सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ का नाम भी भूकंप से ही जुड़ा हुआ है, इसको भी आप अच्छी प्रकार से याद रखें। न्यूटन जो है वो बल का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है कि संगमरमर के कैंसर किस कारण होता है। संगमरमर का जो कैंसर, जैसे आगरा का जो ताजमहल है उसकी सफ़ेदी अभी जो चेंज होती जा रही है, वो पीला पड़ता जा रहा है, तो उसका कारण क्या है, सीएफसी के कारण, अम्ल वर्षा के कारण, या ग्रीन हाउस इफेक्ट, पौधागर प्रभाव, या सीएनजी के कारण। तो ये एक अम्ल वर्षा के कारण होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का जो रंग है वो वाइट से वो येलो होता जा रहा है, तो उसका कारण क्या है, अम्ल वर्षा है, एसिड रेन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रेशम से रेशम रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा कौन सा आवेश अर्जित होता है। रेशम से रगड़ने पर जो कांच की छड़ कौन सा आवेश अर्जित करती हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके सामने है, ऑप्शन धनावेश, ऋणावेश, उदासीन और कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, धनावेश अर्जित होता है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 119 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा प्राकृतिक सूचक न होकर मानव निर्मित है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक सूचक नहीं है। तो मैन मेड कौन सा है वो बताना आपको, मैन मेड है इसमें हल्दी, लिटमस, मेथिल ऑरेंज, या गुड़हल की पंखुड़ियाँ। तो देखो, हल्दी प्राकृतिक सूचक होता है और लिटमस भी प्राकृतिक सूचक होता है, और इसको लाइकेन की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है लिटमस पत्र को, और गुड़हल की पंखुड़ियाँ ये भी एक प्राकृतिक सूचक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके मेथिल ऑरेंज। फिनोप्तलिन और मेथिल ऑरेंज ये दो ऐसे सूचक हैं जो कृत्रिम होते हैं, वो मानव निर्मित होते हैं। तो मेथिल और फिनोप्तलिन दोनों का नाम आपको याद रखना। 120 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन की तकनीक को क्या कहते हैं। तो कायंत्रण, IVF, IFV या FIV, इसको क्या कहते हैं, इसको IVF कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, IVF, इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजर्स कहा जाता है, इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, IVF इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है 121 नंबर, निम्न से कौन विद्युत का चालक नहीं है, जो गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, वो बताना है। नमक का घोल, हैंडपम्प का जल, या तालाब का जल, और आसूत जल। तो आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आसूत जल होता है इसका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान इसका 7 होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है वो जल जो होता है वो उदासीन होता है। उदासीन होने का मतलब ये न तो अम्लीय होता है न ही ये क्षारीय होता है। तो ये न तो चालक होता है न ही कुचालक, ये चालक नहीं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। बाकी इसमें आयन होते हैं, तो ये नमक का घोल, जल, ये सभी आपके इसमें अशुद्धियाँ मिली होती है, तो इसमें आयन होने के कारण, ये अम्लीय होने के कारण इनमें विद्युत का चालक होते हैं, जबकि आसूत जल कुचालक होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है। देखो, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, औद्योगिक पार्क ये नहीं होगा, इंडस्ट्रियल एरिया ये
वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित नहीं है, उल्टा उनको नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है औद्योगिक पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि पक्की सड़कों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है। आजकल आपने देखा होगा डामर की जगह पे पक्की सड़कों के बनाने में किसका उपयोग किया जा रहा है, वैसलिन का, बिटुमिन का, कोक का या फिर पैराफिन मोम का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बिटुमिन। क्या आंसर इसका? बिटुमिन। बिटुमिन का उपयोग ये कोल तार के रूप में काला गाढ़ा द्रव होता है, तो उसका उपयोग डामर के स्थान पर ये बिटुमिन का उपयोग किया जाता है। गहरे रंग के कीपदार बादल क्या कहलाते हैं? तो गहरे रंग के जो कीपदार बादल हैं वो क्या कहलाते हैं? ये टाइफून होता है, हरिकेन होता है, टोर्नेडो होता है या फिर झंझावत होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोर्नेडो। टोर्नेडो को ये कीपदार बादल होते हैं, इस प्रकार से बनते हैं, इनको गहरे रंग के कीपदार बादल के रूप में जाना जाता है, इसको टोर्नेडो कहते हैं। आपकी किताब में चित्र भी दे रखा है टोर्नेडो का, तो वही चित्र है इसमें। चीनी का एल्कोहल में परिवर्तन करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, या क्या क्या कहा जाता है उसको? चीनी को एल्कोहल में बदलने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन या संक्रमण। किण्वन को अंग्रेजी में फर्मेंटेशन कहा जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, किण्वन। चीनी से एल्कोहल जो बनता है वो किण्वन विधि के द्वारा ही बनाया जाता है। देखो ये थे अपने विज्ञान के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे की वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान का जो 35 प्रश्न पूछे जाएंगे वो बताएंगे। आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछे हैं वो भी आपको कमेंट करना है। साथ ही आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। इस परीक्षा के लिए आपको टेस्ट उपलब्ध है अपने ऐप के ऊपर, ऐप का लिंक वीडियो के नीचे, या टेस्ट का लिंक दे रखा है आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे या अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको वहाँ पर टेस्ट मिल जाएगा इस परीक्षा के लिए, तो आप टेस्ट दे देना। और बाकी के अगले वीडियो में यानी कि इसके सामाजिक का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐप को डाउनलोड कर लेना। PDF आपको ऐप के ऊपर मिलेगी, ऐप को डाउनलोड करके आप PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।